चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, रुक जाओ। हाँ जी, चैप्टर हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर हमने हम लोग कुछ ऐसा पढ़कर आए थे कि फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो पार्ट से बांटा था, एक तो मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट को हमने दो पार्ट से बांटा था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। हम लोगों ने मनी मार्केट के अंदर मनी मार्केट के अंदर हमने फाइव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। हाँ जी, ये फाइव इंस्ट्रूमेंट पहले तो था गवर्नमेंट के पास, क्या था वो? ट्रेजरी बिल्स। दूसरा फर्म के पास एक तरफ तो था कॉमर्शियल बिल, जिसको एक और नाम से जाना जाता था टी ट्रेड बिल, ट्रेड बिल्स। दूसरा कॉमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के काम आता था, और दूसरा ब्रिज फाइनेंसिंग, जबकि कॉमर्शियल बिल जो होता था वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के काम आता था। फिर हमने यहां पर कॉमर्शियल बैंक के पास पढ़ा था क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और हमने कहा था व्हाट इज सीपी, अल्टरनेटिव ऑफ बैंक बोरोइंग। फिर हमने कहा था कि आरबीआई के यहाँ पर होता है क्लियरिंग हाउस, और वहां पर सीआरआर अलग अलग बैंकों के होते हैं, जो क्या करते हैं, सीआरआर को मेंटेन किया जाता है। एक बैंक का एक्सेस होगा तो दूसरे क्या होगा, शॉर्टेज वाले एक्सेस वाले से क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे कहते क्या थे, कॉल मनी, और इस पर रेट होता था कॉल रेट। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कॉल रेट का बाकी इंस्ट्रूमेंटों के साथ कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर कॉल रेट बढ़े तो अदर इंस्ट्रूमेंट बिकम्स चीपर, दूसरे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, सस्ते मुद्दे हो जाएंगे। ये हम पढ़ के आ चुके थे। आज हम आ रहे हैं इस बात पर कि ये जो हमारा कैपिटल मार्केट है, इसको दो पार्ट से बांटा गया, एक तो प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। हाँ जी, तो देखो प्राइमरी मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या ये क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स करता है क्या? सेकेंडरी मार्केट, क्या ये एक्सचेंज करता है? हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का। और अगर आपको याद हो तो मनी मार्केट क्या करता था, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ मॉनिटरी एसेट्स। किसको करता था ये? मॉनिटरी एसेट्स को। किसको? मॉनिटरी एसेट्स। हाँ जी, प्राइमरी मार्केट क्या देश की जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है? अभी समझते हैं। क्या सेकेंडरी मार्केट देश की जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है? अगर हाँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट। यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या, पार्टिसिपेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मार्केट होता है यानी प्राइमरी मार्केट, ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि ये इन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करता है। दोनों के कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन कैसे, एक का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, दूसरे का इन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। तो कोई भी कंपनी जिसको पैसा चाहिए, तो कंपनी जिसको पैसा चाहिए किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो कहां आती है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम कहते हैं न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू या फिर फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मार्केट क्या होता है? फ्रेश इशू मार्केट, कोई भी कंपनी जीवन में पहली बार जब भी वो सेबी से जाके ऑथराइज्ड कैपिटल लेकर आएगी, तो वो कहाँ जाके इशू करेगी, प्राइमरी मार्केट में ही इशू करेगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ इशू की जा सकती है, तो पहली बात तो अभी हमने लिखा था फाइनेंशियल एसेट्स, ये क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये शेयर्स हो सकते हैं? हाँ जी। क्या ये शेयर इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं? हाँ जी। क्या ये शेयर्स प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। क्या ये डिबेंचर्स हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। क्या ये बॉन्ड्स हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। दीज ऑल आर द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। क्या ये सारी की सारी फाइनेंशियल एसेट्स है? तो क्या हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स बिकती हैं, लेकिन ये एसेट्स हम किस किस को बेच सकते हैं? हम लोगों ने शायद ये नहीं पढ़ा था ये नहीं। तो आ जाओ समझते हैं, किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए किससे, पब्लिक से। याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कितने चाहिए, 100 करोड़ चाहिए।
और आपको याद होगा इस 100 करोड़ के लिए मुझे 1 करोड़ के कुछ मैंडेटरी और कुछ नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस करने थे। तो ये 1 करोड़ में कहां से लाया था? ब्रिज। ये क्या बनाया था मैंने? ब्रिज फाइनेंसिंग, यानी कि मनी मार्केट से मैंने ये 1 करोड़ अरेंज किया था, जिसके बेस पे मैं कितना पैसा फ्लोट करवाने वाला हूं। मैं बोल क्या रहा हूं, मेरा टर्म सुनना, मैं कितना पैसा फ्लोट करवाने वाला हूं, मैं कितना पैसा फ्लोट करवाने वाला हूं, 100 करोड़। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लोटेशन कितने की चाहिए? 100 करोड़। हाँ भाई, याद करो इस 1 करोड़ को क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन का मतलब इस 100 करोड़ के लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 1 करोड़। तो 1 करोड़ इज द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। हाँ भाई, तो व्हाट इज फ्लोटेशन? प्राइमरी मार्केट के थ्रू जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लोटेशन। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोटेशन। तो ये फ्लोटेशन जो है, ये जो फ्लोटेशन है, 100 करोड़ चाहिए, ये मुझे चाहिए तो, लेकिन कहां से लेकर आऊं? तो इसके लिए 5 अगेन फ्लोटेशन की मेथड से कहते हैं, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। कितने हैं ये मेथड? 5 मेथड्स हैं। पैसे को फ्लोट करना है मतलब कंज्यूमर, मतलब पब्लिक से कहां लेकर आना है? कंपनी के पास। तो ये 5 मेथड कौन कौन से है देखते हैं। हाँ जी, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। सबसे पहले पुराने जमाने में, पुराना जमाना भी छोड़ देते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी खर्चे क्या होते हैं, शायद मैंने बताया था, यानी डिपोजिटरी बताई थी मैंने? नहीं बताई थी। तो ओके, तो मैं वापस आता हूँ फिर इधर ही। हाँ भाई, तो नहीं, लेकिन मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी खर्चे बताए थे मैंने, तो मैंने पक्का बताया होगा। मैंडेटरी में बताया नहीं, NSDL CDSL। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सालों से। हाँ जी, कोई भी कंपनी जब पहली बार क्या करती है, पब्लिक से शेयर लेना चाहती है, तो वो कहाँ जाती है? जैसा आपको पता होगा 11th पढ़ कर आओगे आप, कि वो जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस। कहाँ जाएगी? रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाके वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं। कौन करता है ये? प्रमोटर। कौन करता है? प्रमोटर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, और रजिस्ट्रार ऑफिस उसकी रिसर्च करता है। अगर सब कुछ ओके होता है तो ऐसे में वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देता है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लेकर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना काम स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर उसको पब्लिक लिमिटेड खोलनी है, मतलब पब्लिक से पैसा लेना है, तो ऐसे में उसको एडवाइस किया जाता है कि भाई तू जा सेबी के पास। अगर वो सेबी के पास गई तो सेबी क्या करेगी? सेबी उससे बोलेगी भाई तू एक काम कर, पब्लिक से पैसा लेने के लिए एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दे। क्या है वो फॉर्मेलिटी? कि आपको अगर पब्लिक से पैसा लेकर आना है तो पहली बात तो 90% का सब्सक्रिप्शन क्लॉज लगता है। सबको पता होगा ये 11th पढ़कर आए होंगे। व्हाट इज दिस 90% सब्सक्रिप्शन क्लॉज? कि अगर मुझे पब्लिक से 100 करोड़ लेना है और 100 करोड़ का 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया शेयर, तब तो ओके है। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सेबी उसको परमिशन नहीं देगी। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए आपका? 90%। इसका मतलब आपके प्रपोजल के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट पर 90% लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं। जब 90% का ट्रस्ट होगा तभी ऐसा होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 90% की गारंटी कंपनी के पास है क्या कि इतने लोग हमसे ले लेंगे? जरूरी तो नहीं है। दो चीज हुई, अगर कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो कंपनी खुद क्या करेगी? सेल्फ कोशिश करेगी कि मैं 90% कर दूं। और अगर कंपनी को भरोसा नहीं है कि नहीं कुछ पता नहीं है, इफ एंड बट में है, तो ऐसे में कंपनी किसको अपॉइंट करती है? अंडर राइटर। सबको पता होगा हु इज अंडर राइटर? वो आदमी जो 90% की गारंटी देता है कि तू चिंता मत कर, 90% तो तेरा करके देंगे। लेकिन ये अंडर राइटर कौन हो सकता है? क्या ये कोई बैंक हो सकता है? हाँ, बैंक गारंटी ले सकता है। हाँ जी, क्या ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है? हाँ जी, मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है। क्या ये कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या ये कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या ये रामलाल हो सकता है? हाँ जी, रामलाल भी हो सकता है। रामलाल का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला, इनमें से कोई भी अंडरराइटर बन सकता है, लेकिन अंडरराइटर बनने के लिए भी पहले आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। यानी सेबी को आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, जिसके बेस पे आप अंडरराइटर बन पाओगे। हाँ भाई, तो हमने क्या बोला कि क्या बताओ, शेयर बेचने के लिए क्या अंडरराइटर का होना जरूरी है?
जरूरी तो नहीं है वो, तो अगर मुझे डर लग रहा है तब तो मैं अंडर राइटर अपॉइंट करूं, अगर मुझे डर नहीं लग रहा तो मुझे अंडर राइटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 90% सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या कहता है कि आपको अंडर राइटर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैंडेटरी है नॉन मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी, व्हाट इज मैंडेटरी जरूरी है, नॉन मैंडेटरी जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, ये हमारे पे डिपेंड करता है अगर हम चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें। हाँ जी, सेबी ने कहा कि भाई देख ऐसा है तू अंडर राइटर रख ना रख तेरे ऊपर है, लेकिन तू एक कॉन्सेप्ट समझ ले पहले, किसी भी आदमी को अगर मार्केट में शेयर बेचने हैं तो बिफोर 2000 से पहले क्या होता था, कंपनी डायरेक्टली शेयर बेचती थी पब्लिक को, जिसकी वजह से जो पब्लिक है पब्लिक को वो शेयर सर्टिफिकेट, क्या बोलते थे, शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि मटीरियलाइज्ड फॉर्म। व्हाट इज मटीरियलाइज्ड फॉर्म, पेपर फॉर्म, पेपर फॉर्म को क्या बोलते हैं, मटीरियलाइज्ड फॉर्म। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जिस कंपनी को शेयर बेचते हैं वो फैक्ट्री में जाके मशीनों के थ्रू अपने प्रिंट छपवाती थी, किस बात का प्रिंट, अबे किस चीज का, शेयर सर्टिफिकेट छपवाती थी, और जिसको भी शेयर सर्टिफिकेट चाहिए वो क्या करता था, वो पैसा देकर वो शेयर्स अपने घर ले जाता था। अबे जो शेयर्स को घर ले गया है वो क्या है, मटेरियल फॉर्म में, किस फॉर्म में, मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल फॉर्म, पेपर फॉर्म। लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ, ये मटेरियल फॉर्म कैंसिल कर दिया गया कि ये मटेरियल फॉर्म नहीं चलेगा, तो क्या कर दिया गया, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आ गए। व्हाट इज डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये बताओ आज की डेट में जो नोट है हमारा 100 रुपए का 10 रुपए का जो भी नोट है वो सब क्या है, मटेरियलाइज्ड फॉर्म, चाहे वो पेपर फॉर्म हो चाहे वो मेटल की फॉर्म हो, सबके सब क्या माने जाते हैं, मटेरियलाइज्ड, क्या होते हैं वो, मटेरियलाइज्ड। अभी हम क्या बोल रहे हैं, अगर वही पैसा हमारा बैंकों में चले जाए और सरकार बोले आपके हाथ में नहीं आएगा ये पैसा कभी, आपके अकाउंट में खर्च करना है, एटीएम से खर्च करो, खर्च करना है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से खर्च करो, आप अपने हाथ से किसी को नहीं दे पाओगे, इसका मतलब क्या हो गया, अब आपका रुपया भी डीमटेरियलाइज्ड, या डीमोनेटाइजेशन नहीं बोल रहे हैं, डी क्या, डीमटेरियलाइज्ड। व्हाट इज मटेरियलाइज्ड, पेपर फॉर्म, व्हाट इज डीमटेरियलाइज्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो हमने क्या बोला कि आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो 2000 के बाद क्या कर दिया गया, डीमटेरियलाइज्ड कर दिया गया। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके दादाजी ने शेयर छोड़े हैं, बेचोगे तो कैसे बेचोगे, तो सीधी बात है दादाजी ने छोड़े होंगे वो मटेरियल फॉर्म में छोड़े होंगे, किस फॉर्म में, मटेरियल का मतलब पेपर फॉर्म में, ठीक है। अब आपको उसको बेचना है तो किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर से जरा यहां पर ध्यान से सुनना, कोई भी कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है वो किसके पास जाती है, सेबी। सेबी उसे ज्ञान देता है कि देख भाई अगर तू ये पब्लिक से पैसा लेना है तो दो जरूरी बातें सुन ले, एक तो होती है डिपोजिटरी और एक होता है मार्केट। अगर तू ये शेयर मार्केट में काम करना है तो तुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा कि कहां पर, डिपोजिटरी के पास। ये डिपोजिटरी दो तरह की होती है, पहली होती है NSDL, क्या होती है हम आगे ढंग से पढ़ेंगे, दूसरी होती है CDSL। ये दोनों डिपोजिटरी है, यहां पर तुझे जाना पड़ेगा और अपने शेयर्स को यहां जाकर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के लिए क्या ये डिपोजिटरी कुछ फी चार्ज करेगी, हाँ जरूर चार्ज करेगी, फ्री में तो नहीं करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो डीमटेरियलाइज करवाने के लिए डिपोजिटरी कितनी होती है, दो, NSDL और CDSL। दिस इज जस्ट लाइक ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, दिस इज जस्ट लाइक SBI एंड PNB, कोई भी बैंक हो सकते हैं। बैंक क्या रखते हैं, कैश, ये क्या रखते हैं, ये क्या रखते हैं, शेयर रखते हैं। तो हमने बोला डीमटेरियलाइज्ड कौन करेगा, अब कौन करेगा, डिपोजिटरी। आज की डेट में कोई भी कंपनी हो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, हर कंपनी को अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज करना कंपलसरी है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये खर्चा मैंडेटरी है या नॉन मैंडेटरी, ठीक है, तो इसे बोल क्या रहे, दिस इज अ मैंडेटरी एक्सपेंसेस।
अभी फिर सेबी ने इससे बोला कि देख भाई हमारे इंडिया में दो तरह के मार्केट पाए जाते हैं, एक है एनएसई दूसरी है बीएसई, दो मार्केट हैं। अब अगर तुझे अपने शेयर बेचने हैं तो तुझे इनमें से किसी भी एक मार्केट में एटलीस्ट, हाँ भाई ध्यान देना, एक मार्केट में एटलीस्ट और दो मार्केट में हो जाए तो और अच्छी बात। एक मार्केट में एटलीस्ट तुझे लिस्टेड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? लिस्टेड। यहां पर लिस्टेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बोले तो लिस्टेड होना पड़ेगा किसी भी एक मार्केट में। इस लिस्टेड का मतलब समझ लो, एनएससी के शेयर्स है 10,000 शेयर्स, उनमें से एक लिस्ट में आपका भी नाम आ गया, रजिस्टर्ड हो गए तो क्या बोल रहे हैं उसको? लिस्टेड। तो आपको एटलीस्ट एक स्टॉक मार्केट में या तो एनएससी में या फिर बीएससी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मुझे अपने शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करवाना है, एनएससी बीएससी दोनों में करवाऊं या कहीं एक, किसी भी एक जगह पे? मतलब ये और है क्या? ये और, या तो एनएससी में करवा लूं या फिर एनएसडीएल में या फिर सीडीएसएल में। लेकिन जो मुझे मार्केट में करवाना है, हमें क्या चाहिए कि हो सके तो दोनों में साथ साथ रजिस्टर्ड करवा लो। क्यों? जिससे कि आपके कस्टमर को बेनिफिट मिले। क्या मतलब? हाँ भाई, कोई सामान है सेक्टर 20 में भी मिल रहा है, सेक्टर 10 में भी मिल रहा है, सेक्टर 15 में मिल रहा है, अच्छी बात है, आराम से कस्टमर के लिए फायदा है। क्यों? लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, तो अच्छी बात है दोनों मार्केट में करवा लें। लेकिन एटलीस्ट अगर आप शेयर बेच रहे हो तो आपको एक मार्केट में तो लिस्टेड होना ही पड़ेगा, एक मार्केट में तो लिस्टेड होना ही पड़ेगा। अब बस मुझे एक बात बता दो कि जब आप एनएससी बीएससी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो क्या एनएससी बीएससी भी कुछ फीस लेंगे? हाँ जी, पूरी लेंगे फीस। सुन लो कितनी फीस। एनएससी बोलता है कम से कम 100 करोड़ जमा करवा। जी हाँ, कंपनी मेरा ध्यान सुनना, 100 करोड़ जमा करवा। मतलब पहली बार जब आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपका गेम होता है क्या, 1,00,000 करोड़ चाहिए, 1,000 करोड़, मतलब बड़े गेम होते हैं। 10-20 करोड़ के लिए सेविंग नहीं, मतलब स्टॉक मार्केट में हम लोग नहीं जाते हैं। तो हमने क्या बोला, एनएससी या बीएससी में आपको क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड। क्या देनी पड़ेगी? फी। फिलहाल हम बात नहीं करें कितनी फी, बस ये बताओ ये फी देनी जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी है। इसका मतलब क्या ये मैंडेटरी है? हाँ जी, ये भी मैंडेटरी खर्चे हैं। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जब से आप कॉमर्स में पैदा हुए हो तब से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो क्या उसके लिए कंपलसरी है कि वो प्रॉस्पेक्टस छापे? हाँ, बिना प्रॉस्पेक्टस के कोई भी कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। लेकिन क्या प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक पेज एप्लीकेशन फॉर्म का हो सकता है? ऑब्वियसली अलग से थोड़ी छपेगी वो, लेकिन कई कंपनी ऐसी भी होती है, आपने 11th पर ढंग से नहीं पढ़ा होगा इस बारे में, कई कंपनी ऐसी भी होती है जिनके लिए जरूरी नहीं है प्रॉस्पेक्टस छापे, तो प्रॉस्पेक्टस प्रॉस्पेक्टस की तरह पेज छाप देती है। अब ये प्रॉस्पेक्टस क्यों छापा जा रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट कहता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही कंपनी अपने शेयर बेचेगी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 5 से 10 साल का है। अगर आपकी 5 से 10 साल पुरानी कंपनी नहीं है तो आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हो। तो ऐसे में अगर 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप क्या प्रॉस्पेक्टस बनाओगे? हाँ, जरूर बनाओगे। प्रॉस्पेक्टस में क्या दिखाओगे? आपकी ग्रोथ, आपकी कंपनी ने किस तरह से ग्रोथ की है वो दिखाओगे। तो मैं कह रहा हूं क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है? हाँ, आप सभी लोगों ने शेयर में पढ़ा होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब तुमने एप्लीकेशन छापी नहीं तो मनी कहां से रिसीव कर लोगे? हाँ भाई, तुम सब लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म लिया, उसको फिल किया, तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म छापना जरूरी है या नहीं? एकदम जरूरी है। इसका मतलब क्या प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी खर्चे हैं? हाँ जी, ये जरूरी खर्चे हैं, आपको करने पड़ेंगे। तो अभी यहां पर हमने कुछ खर्चे देखे जो मैंडेटरी है। कैसे थे सारे के सारे खर्चे? मैंडेटरी। कौन कौन से खर्चे बोले मैंने? एनएससी की फीस, बीएससी की फीस, एनएसडीएल की फीस, सीडीएसएल की फीस, या फिर इसको और ढंग से बोल लेते हैं, डिपोजिटरी के खर्चे और मार्केट के खर्चे प्लस प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म के खर्चे। ये सारे के सारे खर्चे क्या माने जाते हैं? मैंडेटरी एक्सपेंसेस। अच्छा जी, तो इसके अलावा कुछ होते हैं जिसे कहते हैं नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं ये खर्चे जो जरूरी नहीं है? नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट। क्या जरूरी है? नहीं। क्या रिलायंस को, टाटा को, बिरला को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए तो कर सकते हैं। ज्यादा का मतलब अगर 90% की गारंटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो। क्या अंडरराइटिंग कर सकते हो? हाँ। क्या जरूरी है अंडरराइटिंग? नहीं। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अंडरराइटिंग करो, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो अंडरराइटिंग
मत करो। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ खर्चे होते हैं मैंडेटरी, कुछ खर्चे होते हैं नॉन मैंडेटरी। क्या मैंडेटरी एक्सपेंसेस और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस, क्या दोनों खर्चे जरूरी हैं अगर आपको शेयर मार्केट में अपने शेयर रजिस्टर्ड या बेचने हैं? तो मैंडेटरी तो जरूरी है, नॉन मैंडेटरी जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपको शेयर बेचने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मेन काम क्या? पढ़ाना। तो तुम्हें बुक छाप के दे चलेगा, लेकिन टीवी में एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दे कि हम पढ़ाते हैं। क्या जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी एडवर्टीजमेंट करना तो आप करो। यानी हम क्या बोल रहे हैं, कुछ होते हैं मैंडेटरी खर्चे, कुछ होते हैं नॉन मैंडेटरी खर्चे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस, मैंडेटरी करने पड़ेंगे, नॉन मैंडेटरी आप करना चाहते हो या नहीं। हाँ जी, तो हमने क्या समझा अभी, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड होना चाहती है, जो अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहती है, उसे कुछ नहीं बेटा अभी नहीं बनाना। मैं अरे बदतमीजी कर रही हूँ, मैं बताऊंगा, ये अभी थोड़ी बनाना, ये तो अगले टॉपिक में आएगा। ये तो खाली मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ अभी, ट्रेलर मूवी तो भी आएगी। हाँ जी, तो अभी मैंने क्या बोला, ये क्या हो रहा है ये? हाँ जी, ट्रेलर नहीं, ये क्या है? मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी खर्चे बताने थे बस मुझे कि क्या होते हैं। आगे ढंग से पढ़ेंगे क्या होते हैं ये, वापिस आता हूँ मैं। हाँ जी, अब मैं आ रहा हूँ, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमारा टॉपिक था आज का मेथड ऑफ फ्लोटेशन, सबसे पुराना मेथड, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब एक प्रोस्पेक्टस छापो, पुराना मेथड होता था प्रोस्पेक्टस छापना है, तो नाम से मालूम चल रहा है कि क्या छापना है, प्रोस्पेक्टस। क्या प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होगा? हाँ। क्या मुझे डिपॉजिटरी के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे? हाँ। क्या मुझे मार्केट के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे? हाँ। क्या मैं इन सब को उठाकर मैंडेटरी एक्सपेंसेस बोल दूं? हाँ। और क्या मैं एडवर्टीजमेंट भी कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं अंडररेटर भी अपॉइंट कर सकता हूँ? हाँ। फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर तो सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैंने जब एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है अंडररेटर, ये मैं कर लूँगा। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, नॉन मैंडेटरी है, ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो कर देना, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या करना है, नहीं करना है। मतलब नहीं करने का मतलब एडवर्टीजमेंट से काम चल जाएगा। तो मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पर दो खर्चे लिख दिए, एक तो मैंडेटरी, दूसरे क्या, नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस। तो पूरी एक बार ढंग से समझ लो कि जो NSE से या BSE से जब सेबी के थ्रू पैसा लेते हैं, तो इट विल टेक टाइम, कॉस्टली अफेयर भी है और टाइम भी लगेगा। कॉस्टली अफेयर का मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, क्या होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, क्या कौन सी कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी, हाई। और दूसरा क्या, टाइम टेकर, क्या टाइम टेकर भी होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा पूरी प्रोसेस होने में, तब जाके हमें पब्लिक से पैसा मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको, पहला पॉइंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अभी मैंने कहा, क्या मैंने यहां पर अंडररेटर लिखा? नहीं बेटा, मट्टी वो रुक जाओ, समझ लो, अभी ढंग से याद हो जाएगा, टीपने का फायदा नहीं है, अभी ये जगह ही नहीं है यहाँ पर तुम्हें टीपना है। हाँ, टीपना मतलब अच्छा टेप, ठीक है, हमारे यहाँ टीप में चलता है, तुम्हारे यहाँ टेप में चल जाएगा। हमारे यहाँ टेप, यू नो टेप, व्हाट इज टेप, है ना। हाँ जी, तो पहला पॉइंट अभी आपने क्या बोला, ये बताओ, या तो मुझे क्या करना है, पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच से शेयर इशू कर देने हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से शेयर इशू कर देने हैं। कई लोग बहुत बिजी रहते हैं बेटा, तुम अपना हाथ भी करो, ऐसे करिए, हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ भी गलती करिए, क्या बात है, मोबाइल पे आज वहीं मांगे फिर वापस आ जाते हैं। हाँ ठीक है, ओके। वैसे समझ में नहीं आता है मोबाइल, वैसे नहीं समझ में क्या आता, मैं खुद परेशान हूँ इस बात से। पंचकुला से मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, 15 मिनट का रास्ता होता है, 15 मिनट में क्लास लेनी होती है, उस 15 मिनट में मैं खुद कम से कम 4 से 5 बार तो मोबाइल को खरीद देता हूँ मैं, क्या देखने के लिए, अरे अभी 1 मिनट पहले देखा था शेयर, अब किस प्राइस पे देख लेता हूँ दोबारा। तो बेटा मैं तो मैं समझाना भी नहीं चाहूंगा आपसे, बात नहीं कि मैं ही नहीं समझ रहा हूँ, मैं क्या समझाऊँ इस बारे में। हाँ भाई, तो अभी टीवी में एक बड़ा अच्छा सा एड देखा मैंने,
बायजू का कोई ऐड आया था, उसने क्या था कि सुनो क्या ऐड था, सुनो ऐड क्या था कि मम्मी देख रही है मेरा बेटा परेशान पढ़ ही नहीं पा रहा है, मम्मी दूसरी आंटी से मिलती है मेरा बेटा परेशान पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। तो अब मम्मी बड़े डिप्रेशन वाले चेहरे के साथ जाती है, बच्चे को देखती है तो देखती है अरे ये तो मोबाइल कितने लगा पड़ा है, तो उसके मम्मी को समझ में आता है अच्छा मेरा बेटा प्यार करता है किससे, मोबाइल से। तो तभी वो टीवी बैठ देती है बाईजू मोबाइल वाली बाईजू क्या करती है, वो फटाफट मंगवाती है और बच्चा बोर होते हुए बढ़ रहा होता है, मम्मी खुशी खुशी आती है टैबलेट देती है ले बेटा, वो देख के खुशी आता है, तो क्या करता है वो टैबलेट रख के पढ़ता है, सामने रख लिया टैबलेट, हर टॉपिक टैबलेट पढ़ता है, तो मम्मी भी खुश और बच्चा भी खुश। फिर उससे पहले जब बच्चा नंबर लेके आता है तो 10 पैसे क्या आते हैं उसके 2 नंबर, और उसके बाद क्या होता है जब वो दोबारा आता है तो 10 पैसे कितने आते हैं 8.5, ये नहीं दिखाया 10 में 10, अभी 10 में 10 नहीं दिए, 8.5 तक दे दिए, इसका मतलब तुम 2 से 8.5 तक पहुंच सकते हो, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ मेरे बारे में कि एप्लीकेशन अब बहुत जरूरी है, मैं भी ऐसी टैबलेट लॉन्च करूंगा कि वहीं बैठ के सर क्या पढ़ाने में ही पहले पढ़ लेती हूँ, पहले से पढ़ के आया करेगी एप्लीकेशन नहीं है। तो पुराने जमाने में हम क्या करते थे, ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, हाँ जी। फिर क्या हुआ, मेरी बात ध्यान सुनना, अभी मैंने यहाँ पर क्या अंडरराइटर रखा था, नहीं, मुझे डर लग रहा था पता नहीं मेरे शेयर्स पूरे बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, तो मैंने दूसरा तरीका अडॉप्ट किया। मैंने क्या किया, मैं पहुँचा, दूसरा तरीका इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। मैंने किराया तो नहीं हुआ ना, फिर ठीक है, हाँ मैनेजर की किराया तो नहीं, दोबारा कर रहे हैं हम लोग ऑफर फॉर सेल। हाँ भाई क्या सुनना, अब जब मुझे डाउट है खुद पर कि मैं नहीं बेच पाऊंगा, तो मैं कहाँ गया, ऑफर फॉर सेल, और मैंने अंडरराइटर पकड़ लिए। ये अंडरराइटर कौन होंगे, इंटरमीडियरीज, बहुत बढ़िया। कौन हो सकते हैं इंटरमीडियरीज, बैंक, ब्रोकर या इश्यूइंग हाउस भी कहते हैं, मतलब कई अलग अलग तरह की और कॉर्पोरेट हो सकते हैं जो इस काम को करेंगे। तो ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, हम इन अंडरराइटर्स से कहते हैं भैया हमने आपको शेयर दे दिए, आपको पब्लिक में बेचने, जैसे बेचने वैसे बेचो, हमें नहीं पता, हम टेंशन फ्री हो गए, यानी कि अब वो किसको बेचेंगे, पब्लिक को बेचेंगे। ये क्या था, अंडरराइटर के थ्रू बेचना, क्या बोलते हैं इसको, ऑफर फॉर सेल। मुझे बस ये एक बात बताओ, अल्टीमेटली भाई पहले वाले में ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस पैसा कहां से आया था, पब्लिक, पैसा कहां से आया, पब्लिक। जब भी पैसा पब्लिक से आएगा तो हर एक मैंडेटरी खर्चा तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहां पर मैंने कौन सा खर्चा कर दिया था, नॉन मैंडेटरी वाला एडवर्टीजमेंट, यहां कौन सा कर दिया मैंने, अंडरराइटर। अब जब मैं अंडरराइटर को अपॉइंट कर लिया हूं तो क्या मैं गधा हूं कि मैं एडवर्टीजमेंट भी करूंगा, मैं गधा तो नहीं हूं ना, तो मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा क्या, नहीं। मैं क्या बोलूंगा, जब मैं अंडरराइटर पे खर्च कर ही रहा हूं तो मुझे एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत, तो यानी नॉन मैंडेटरी मैंने वहां भी किया था, नॉन मैंडेटरी मैंने यहां भी किया है, लेकिन हाँ भाई दोनों तरफ नॉन मैंडेटरी खर्चा किया ना मैंने, दोनों तरफ नॉन मैंडेटरी किया है, क्या मैंडेटरी भी करना पड़ेगा। हाँ जी, जब भी आप पब्लिक से पैसा लोगे आपको हमेशा पहले डिपोजिटरी में जाके क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर कहां पर मार्केट में जाके करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी कुछ आपने यहां पर किया था, प्रोस्पेक्टस छापना, डिपोजिटरी के खर्चे सारे, मार्केट के सारे खर्चे सब करने पड़ेंगे। इसका मतलब ऑफर फॉर सेल भी क्या कहता है, ये कहता है मैंडेटरी एक्सपेंसेस और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस सारे के सारे हमें करने पड़ेंगे। जब भी पब्लिक, मेरी बात ध्यान सुन लो, जब भी पब्लिक से पैसा लेंगे तो हमें ये करना ही पड़ेगा। सबसे पुराने जमाने में जब अंडरराइटर एक्टिव नहीं हुआ करते थे तो क्या होता था, ऑफर फॉर सॉरी नहीं वो इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस, जब अंडरराइटर आए तो हमने गारंटी उन्हीं को दे दी, तुम ही हेड संभालो, हमने तुम्हें दे दिया, तुम पब्लिक को बेचते रहो, हमें मतलब नहीं है, अगर हमारा 90% से कम हुआ तो आप ले लोगे, ठीक है। तो क्या होता है वो, ऑफर फॉर सेल, ठीक है साहब। तीसरे पॉइंट पर आता हूं, या तो मुझे पैसा पुराने जमाने के तरीके से मिल जाता या फिर मुझे तरीका कौन सा, मतलब अंडरराइटर के थ्रू पैसा मिल जाता। मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी था जो बहुत तेजी से काम करता है। ध्यान देना, हर वो कंपनी जो नई कंपनी है वो तेजी से ग्रो करना चाहती है, लाइक हम मेरी अपनी कॉमर्स विलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं आज जाता हूँ ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस कोई नहीं देगा, अगर मैं जाता हूँ अंडरराइटर के थ्रू अंडरराइटर भी नहीं दिलवाएगा, यानी कि ऐसे तो कोई कंपनी बनेगी नहीं। अभी आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा आजकल रिसेंटली बायजू कुछ शाहरुख खान के ऐड आके दे रहा है, पता है क्यों दे रहा है, आने वाला है इधर कौन, हाँ भाई बायजू आने वाला है क्या,
ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस या अंडर राइटर के थ्रू आने वाला है वो, इसलिए वो क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट दे रहा है। किसे दे रहा है? जैसे कि आप समझ सको कि हाँ ये बहुत बड़ा ब्रांड है, तो क्या कर रहा है वो? नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस कर रहा है। किस प्लानिंग से? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर फॉर सेल के लिए। लेकिन उससे पहले उस लेवल तक आने के लिए उसको पैसा, पहला पैसा किसने दिया? मार्क जुकरबर्ग ने दिया और कई यूनिवर्सिटीज ने उसको दिया, इन्वेस्टमेंट किया। ध्यान देना मेरी बात पर कि हुआ क्या, उसको जब स्टार्टिंग में पैसा चाहिए था, जब कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, उस समय पर उसे क्या मिला? उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? बेटा मोबाइल वालों प्लीज मत लो यार, गंदी बात कर रहे हो। क्या दिखा रहे हो उसको? जुकरबर्ग दिखा रहे हो या बायजू दिखा रहे हो? बदतमीज, बायजू नहीं देता कॉमर्स क्लासेस। हाँ जी, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? कि एक मार्क जुकरबर्ग के साथ दोनों की मीटिंग होती है। दोनों की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बताओ। उसने कॉन्सेप्ट बताया, उसने बोला मैं 500 करोड़ दे दूंगा। उसने बोला बहुत बढ़िया सर दे दो। 500 करोड़ से बातों बातों मिल गया, बातों बातों मिल गया। क्या मुझे एक बार बताओ, क्या आज की डेट में जो बायजू की कंपनी है क्या वो लिमिटेड कंपनी है? नहीं, वो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। तो बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड, जैसे हमारी कंपनी को कहीं नहीं बताना होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या मार्क जुकरबर्ग से मिलने के लिए क्या सेबी को बताता? वो नहीं बताता। वो सीधा गया, मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि ये ले भाई 500 करोड़ ले ले, सीआर लगा दो 500 रुपए लेते नहीं दोस्त। हाँ भाई 500 करोड़ ले ले। हाँ जी मेरी बात ध्यान सुनो। इस 500 करोड़ को लेने के लिए क्या हुआ? एक्स और वाई दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? एग्रीमेंट, जिसमें बता दिया गया कि हम आपको 25% शेयर दे रहे हैं अपनी कंपनी का, कितने रुपए में? 500 करोड़ में। दिस इज जस्ट लाइक अ लोन कह सकते हैं, लेकिन लोन नहीं है, मालिक बना दिया उसको। कितने परसेंट का मालिक? 25% का मालिक बना दिया। ये शेयर उसने पब्लिक को बेचे किसी खास आदमी को बेचे? क्या मैंने थोड़ी पहले बोला था, जब भी हम पब्लिक को बेचते हैं तो हमारे लिए खर्चे जरूरी है। क्या यहां पर इस केस में, जहां पर दोनों की मीटिंग हो चुकी है, क्या इसमें मैंडेटरी एक्सपेंसेस और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस करने की जरूरत है? समझते हैं। क्या एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है? नहीं, पैसा लेने के लिए एडवर्टीजमेंट तो नहीं करना ना, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो सेटिस्फाइड है मीटिंग से। दूसरा, क्या अंडरराइटर चाहिए? नहीं, क्योंकि पब्लिक को नहीं बेच रहे। पब्लिक को नहीं बेच रहे तो नॉन मैंडेटरी खर्चे होंगे क्या? नहीं। दूसरे मैंडेटरी पे आ जाओ, मैंडेटरी खर्चों में कौन से खर्चे आते हैं? जो भी मैंने बोला। क्या अब बायजू ने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किए? नहीं किए। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि डिपोजिटरी की जरूरत उसको है क्या? नहीं। क्या उसको मार्केट यानी एनएससी और बीएससी में अपने शेयर बेचने के लिए क्या उसको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी? नहीं। तो हमने क्या बोला, इसको कोई भी मैंडेटरी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और नॉन मैंडेटरी खर्चे भी इतने नहीं करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे भाई? आप जाओगे कहां पर? कोर्ट में जाओगे और क्या करोगे? एक एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट कितने रुपए खर्च हो जाएगा? मैक्स टू मैक्स 10 लाख, इससे इतने भी नहीं होते, 1 लाख रुपए खर्चे में आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ भाई, क्या था ये? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या इसके लिए मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी खर्चे करने पड़ते हैं? नहीं, है ना, सीधा सीधा बिना खर्चे को आप बिना खर्चे के आपको ये पैसा मिल जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ भाई, अब ये बताओ हुआ क्या नेट में? कंपनी ने अपने शेयर एक तो इनको बेचे, इनको बेचे ऑफर फॉर सेल, यहां पर उन्होंने बेच दिए थे 50% शेयर इनको बेच दिए थे, 25% इनको बेच दिए थे कंपनी ने, और 25% प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू बेच दिए थे। इसका मतलब 25%, अब इसका मतलब 100% शेयर बिके हुए, कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ रही है। अभी तक किस किस के पास कितना कितना था, अगर मैं इसको सिंपल लिख दूं, 50 पब्लिक के पास, ठीक है, 25 प्राइवेट प्लेसमेंट के पास, और 25 पब्लिक के पास ही है थ्रू जो या बैंकों के पास भी हो सकता है। अब क्या हुआ, मुझे 100 शेयर और बेचने हैं मेरे पास। अब क्या ऑप्शन है? इसे कहते हैं राइट इश्यू। क्या कहते हैं? राइट। दीज ऑल आर माय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि सर ऐसा है कि हम ना 100 शेयर बेचना चाहते हैं, एक पर एक, एक पे एक का मतलब जिसके पास जितने शेयर है उसी रेशियो में वो शेयर ले ले। हाँ भाई, तो मार्केट में कितने शेयर उसके इशू थे? 100। तो क्या रेशियो दिया उन्होंने इशू, राइट इशू का? एक पर एक। कंपनी, दूसरा ऑप्शन,
कंपनी बोल रही है मुझे 200 शेयर बेचने हैं, अब कंपनी क्या ऑफर दोगी, क्या ऑफर देगी, एक पर दो। हाँ भाई, कंपनी बोल रही है मुझे 300 शेयर चाहिए, 300 चाहिए तो अब एक शेयर वाले को कितना देगी, तीन। कंपनी बोल रही है मुझे सिर्फ 50 रुपए चाहिए, अब वो क्या ऑफर देगी, एक पर आधा। या फिर क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं दो शेयर वाले को कितने मिलेंगे, एक शेयर। तो हम ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या राइट इशू, राइट इशू जब भी आप करते हो मेरी बात ध्यान सुनना, राइट इशू आप किसको कर रहे हो, पब्लिक को कर रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हो। तो जो भी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दे रहे हो, क्या इसके लिए आपको अगेन डिपोजिटरी जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि शेयर्स तो आप डीमेटलाइज पब्लिक को दे रहे हो तो डीमेटलाइज करवाओगे। क्या मार्केट में जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अगर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपके अगेन मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस आपको यहां पर भी करने पड़ेंगे, कहां पर, राइट इशू में। तो राइट, व्हाट इज राइट इशू, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर कर दो, उन्हीं को शेयर दे दो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर दे दो। कितने पॉइंट हो चुके हैं, फोर, कितने पॉइंट हो चुके हैं, फोर पॉइंट। पहला क्या था, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, पुराना जमाना। फिर क्या हुआ, अंडर एड्रेस पर चले गए, ऑफर फॉर सेल, दोनों जगह मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी खर्चे हो रहे थे। तीसरा क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट, वहां पर क्या होता है, सिर्फ नॉन मैंडेटरी चाहो तो कर लो, मैंडेटरी खर्चे करने नहीं है क्योंकि दो लोगों के बीच में डायरेक्ट फील हो रही है। फोर्थ वन, राइट इशू, जिसके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो ऑलरेडी है उन्हीं को ऑफर कर रहे हैं कि एग्जिस्टेड आपके पास इतना है, इतने शेयर हम और दे रहे हैं। पहला प्रेफरेंस आपको दिया जा रहा है, अगर आप मना कर देते हो तो हम बाहर वालों को यानी पब्लिक को वो शेयर्स बेचेंगे। एंड लास्ट वन, जो लेटेस्ट मेथड चल रहा है, हाँ भाई ध्यान देना, अभी मैंने एक पॉइंट रखा था, क्या, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, आजकल जो है वो चलती है मॉडर्न अप्रोच। व्हाट इज दिस मॉडर्न अप्रोच, कि आजकल ये इसे कहते हैं EIPO। व्हाट इज EIPO, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब इंटरनेट से ही सारा काम हो जाएगा। तो अब आपका हेडेक क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। तो व्हाट इज EIPO समझते हैं। अब स्टार्टिंग याद करो, क्या मैंने बताया था कि सेबी ने आपको, सेबी ने कहा जाओ भैया डिपोजिटरी में रजिस्टर्ड हो जाओ, जाओ भैया मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाओ, और भैया क्या करो, ये सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद 90% अपना सब्सक्रिप्शन करवाओ, और उसके बाद अगर 90% मिल जाता है तो आपके शेयर क्या हो जाएंगे, आपके शेयर क्या हो जाएंगे, इशू। तो शेयर इशू करने के लिए सारी प्रोसेस अभी बताई थी ना, जिसमें क्या था, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी सारे खर्चे इसमें आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ यहां पर, हाँ जी, अब क्या हुआ, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। तो इस पूरे काम के लिए एक बंदा अपॉइंट किया गया, इसे कहा गया लीड मैनेजर। क्या बोला गया, लीड मैनेजर, क्योंकि नो डाउट आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के पेरेंट्स भी, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक नाम आ जाता है वो भी पीछे हट जाते हैं, वो भी आप ही मोबाइल देखे बोलते हैं बेटा देखा जरा इसका, इसकी सेटिंग खराब हो गई है ना। तो क्यों, क्योंकि पुराने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इतना चीजें करनी नहीं आती है। तो EIPO क्या कहता है, जो ऑफर फॉर सेल था वही सब कुछ यहां हो रहा है, काम नहीं बदल रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। लेकिन भाई अब वो कौन कर रहा है, लीड मैनेजर, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन सेटलमेंट हो रहा है। मुझे एक बार बता दो, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हो तो रहा है, लेकिन क्या मैं एप्लीकेशन फॉर्म छापूंगा, वो तो अभी भी छपेंगे, या तो न्यूज़पेपर में छप जाएंगे, या फिर हर ब्रोकर के यहाँ पर एक एक फॉर्म या जितने फॉर्म मैं भेज दूंगा, ब्रोकर आप लोगों से फॉर्म फिल करवाएंगे और किसको दे देंगे, लीड मैनेजर को। वो क्या करेगा, वो सारे के सारे जो भी फॉर्म्स है उनको पंच करेगा, मतलब कंप्यूटर में फीड करेगा, फीड करके जो भी उसका तरीका होगा उस तरीके से कंपनी के प्रमोटर को क्या करके देगा, शेयर इशू करके देगा। 90% नहीं हो पाए तो अंडर राइटिंग करके देगा। कौन करके देगा ये सारा काम, लीड मैनेजर। तो अगर हम इसको अब दोबारा से एक बार से ध्यान रखते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए, हाँ जी, सबसे पहले पुराने जमाने में ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, फिर इधर आते हैं एंड में सीधा, आजकल क्या अंडर राइटर आ गए हैं, इसके क्या बोलते हैं इसको, EIPO। अब क्या क्या EIPO, अच्छा ऑफर, ऑफर फॉर सेल, क्या बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, कौन होता है ये, अंडर राइटिंग कर देते हैं। तीसरा क्या बोला हमने, सॉरी राइट क्यों, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर हमने क्या बोला, तीनों के पास जिस भी रेशियो में पड़े हुए हैं शेयर, जो भी इनका रेशियो था, इनका रेशियो जो भी था
उस सेम रेशो पे इनको ऑफर किए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं राइट इशू। इसे इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग पैटर्न में, जो भी पैटर्न उनके पास है उसी पैटर्न में उनको क्या किया जाता है, शेयर ऑफर किए जाते हैं। और लास्ट हमने क्या बोला, अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या है, EIPO, जो मेन बंदा कौन है, लीड मैनेजर, सारे काम करेगा और कंपनी को शेयर इश्यू कर देगा।